सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस क्या अपने अंदाज में लौटने लगी है 100 सीट होने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अमेरिका में एक पत्रकार को राहुल गांधी की टीम, सैम पित्रोदा की टीम ने पीटा। वो संविधान बचाने वाले पत्रकार थे, भारत के पत्रकार थे, उनकी अमेरिका में पिटाई क्यों हुई। ये बात तो सही है, कांग्रेस ने 60 साल में आप देखेंगे तो राजीव गांधी की आलोचना, नेहरू की आलोचना, इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं हुई है। पत्रकारिता दरअसल शुरुआत ही 2014 के आसपास हुई जब कांग्रेस की सरकार की आलोचना हुई, नहीं तो अब तक इस देश की मीडिया, जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये जातिवादी मनुवादी मीडिया सिर्फ लालू यादव की आलोचना, मायावती की आलोचना, मुलायम सिंह यादव की आलोचना, शिबू सोरेन की आलोचना, मतलब दलित पिछड़े की आलोचना करते थे, कांग्रेस की नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के दिन में फंस गए तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है। जैसे आप मीडिया का जो कह रहे हैं ना, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मीडिया हमेशा ही ऐसा था। अगर सरकार में कांग्रेस होती थी तो कभी आलोचना नहीं, बस आलोचना होती है दलितों की, पिछड़ों की, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, ये लोग गलती से कभी सीएम बन गए तो इतनी आलोचना करते थे कि अगले साल वो चुनाव, अगली बार चुनाव हार जाते थे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था और अपने ही लोग इनको करप्ट, भ्रष्टाचारी और बेकार नेता मान लेते थे। इस देश की मीडिया ने वाजपेयी को राष्ट्रीय नेता, आडवाणी को राष्ट्रीय नेता, राहुल गांधी को राष्ट्रीय नेता और मान्यवर साहब जो रसायन शास्त्री हैं उनको दलितों के नेता, बाबा साहब दलितों के नेता, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता, लालू यादव पिछड़ों के नेता, यादवों को नेता, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता, मतलब बाकी जितने SC ST OBC हैं, यहां तक कि चौधरी चरण सिंह जाट नेता जो प्रधानमंत्री बने, शरद यादव पिछड़ों के नेता, तो जितने बाकी नेता होते थे, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान, कोई आदिवासी नेता होता था, और जितने सवर्ण नेता होते थे वो सब राष्ट्रीय नेता होते थे। ये सब मीडिया का कमाल था। लेकिन अब मीडिया की जमकर आलोचना हो रही है। और एक बात तो तय है कि जो आज बीजेपी के लिए भी तमाम टीवी अखबार कर रहा है, कांग्रेस के लिए भी यही करते थे। लेकिन फर्क इतना था कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना हो रही है, उनसे जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि नरेंद्र मोदी के दौर में भी सवर्ण समाज के टीवी अखबार पर रोक नहीं लग रहा है, सवर्ण समाज के सोशल मीडिया पर रोक नहीं लग रहा है, चाहे उनकी आलोचना ही क्यों ना करे, बहुजन मीडिया पर जरूर रोक लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जाए और नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा जाए तो ये काम तो कोई बहुजन मीडिया ही कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पत्रकार की बात की है वो टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण समाज से हैं, तो थोड़ा मुझे शक लगता है, क्योंकि ये लोग सत्ता के साथ रहते हैं, झूठ भी फैला सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए। वैसे सुप्रिया सिरनेत जो खुद आईटी सेल की प्रमुख हैं, मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश के बाद, उन्होंने कहा है शो लाइव नहीं रिकॉर्ड हुआ था, चाहते तो एडिट कर देते, लेकिन झगड़े की ब्रेकिंग न्यूज चलाई, जाहिलियत का वीडियो सोशल मीडिया पर खुद चैनल ने शेयर किया, लोगों को बुलाओ, भिराओ, नफरत फैलाओ, फिर उसके सहारे अपनी डूबती TRP बचाओ, ये है बिजनेस मॉडल, गोदी गिद्ध नहीं तो और क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों की वजह से, SC ST OBC के लोगों ने जब से आंदोलन चलाया है मनु मीडिया के खिलाफ, तमाम चैनलों की रेटिंग गिर रही है, क्योंकि इस देश में 90% लोग तो बहुजन है। इसलिए मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कोट करूंगा, इस देश की जातिवादी मीडिया जो आपको दिखा रही है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है, और जो आपसे छुपाया जा रहा है वो खबर है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में सोचिए किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता बड़े नेता होते हैं, क्योंकि संख्या उनके पास है, जनाधार उनके पास है, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, ये सब बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां, इनका बड़ा जनाधार है। छोटी पार्टियां तो कांग्रेस, BJP है, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, जिनके पास पैसे वाली पार्टी है, ये
जनाधार वाली पार्टी नहीं है। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया की चिंता करते हैं तो हम लोगों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए और पूछना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सवाल पूछ सकता है किसी से भी तो वो बहुजन मीडिया है, सच्ची पत्रकारिता करता है तो बहुजन मीडिया करता है, पीड़ित की पत्रकारिता करता है तो बहुजन मीडिया करता है, शोषित वंचित की पत्रकारिता करता है तो बहुजन मीडिया करता है, SC ST OBC के पत्रकार, इसलिए हम बहुजन मीडिया कहते हैं। दरअसल यही मेनस्ट्रीम मीडिया, 90% लोगों की बात यही लोग करते हैं, बाकी तो सब कोई कांग्रेस है, कोई BJP है और जातियों का अड्डा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वक्फ बोर्ड में 15 तारीख तक और एप्लीकेशन दिया जा सकता है, ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, ये बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो है विवाद जारी है। इसी बीच समाजवाद BSP के सांसद रंजी गौतम जी का बड़ा ट्वीट आया है राजस्थान को लेकर, दलित वर्गों को लड़ाने के बाद, दलित समाज को लड़ाने के बाद SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने की फिराक में है सरकार, बहुजन समाज को एक होकर इन सामंती सोच को डटकर मुकाबला करना चाहिए, अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। BSP सांसद राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने उजागर किया राजस्थान सरकार का आरक्षण घोटाला, राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा में आरक्षण घोटाला, उन्होंने कहा सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो जहां जहां कांग्रेस BJP की सरकार है आरक्षण का दिन होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो रेप की घटनाएं सामने आ रही है। अब खबर है कि अयोध्या में एक सफाई कर्मचारी 20 साल की छात्रा से गैंग रेप हुआ है, और वहीं नेल्लौर आंध्र प्रदेश में दलित समाज के साथ मारपीट की भी खबर है। वक्फ बिल पर राय देने की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई गई। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक ईमेल नहीं किया वो जल्दी से जल्द वक्फ बिल के खिलाफ JPC को ईमेल करें, सभी पोस्ट को लाइक और शेयर कर असदुद्दीन ओवैसी। तो बहुजन समाज के पास अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता मिल जाए तो कितना बढ़िया हो, बहुत सचेत रहते हैं। हरियाणा में लगातार कांग्रेस के समर्थक एक्सपोज हो रहे हैं, वो जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। BSP ने फिर से पटना में एक बड़ी बैठक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रामजी गौतम मेधानकर जी और उसके बाद तमाम बड़े नेता थे, राज्यसभा सांसद थे, उसके बाद अनिल चौधरी, इन सब लोगों ने मुजफ्फरपुर घटना की जांच की फिर से मांग की है। ये भी बड़ी खबर है। अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली BA की छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 गिरफ्तार हैं। कर्नाटक में सोचिए कांग्रेस की सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तक SC ST OBC की लीडरशिप वाली सरकारें नहीं होंगी BJP कांग्रेस में होता रहता है। कर्नाटक में सोचिए, कर्नाटक में सवर्ण समुदाय ने एक दलित परिवार को इसलिए पूर्ण बहिष्कार कर रखा है क्योंकि किशोरी रेप पीड़िता ने उस आरोपी के खिलाफ जो सवर्ण हिंदू है केस दर्ज कराया था। लालू यादव का दिल का ऑपरेशन हुआ है, सफल ऑपरेशन हुआ है और वो अच्छे हैं और वो पटना जल्दी लौटेंगे, ये भी खबर है। महाराष्ट्र में एक भंते जी का अपमान करना महंगा पड़ा और लोगों ने जमकर आरोपी की क्लास लगाई। और एक सड़क ही तो टूटा है इतना हल्ला क्यों, 960 करोड़ ही तो लगे हैं। मध्य प्रदेश की खबर है, 960 करोड़ में बना रोड जो है ध्वस्त हो गया। कर्नाटक में ये खबर है सोशल मीडिया, सोचिए। और दलितों का वर्गीकरण करके SC ST का आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है राजस्थान में। और रोहिणी घाबरी ने ट्वीट किया है कि तमाम दलित समाज के लोग और मजबूती से पे बैक टू सोसाइटी करें ताकि समाज आपस में बटे नहीं। और थंगलान जरूर देखिए, आपसे गुजारिश है, थंगलान को अब हिंदी पट्टी के सिनेमा मालिक जो हैं वो उसको चला ही नहीं रहे हैं, टिकट भी नहीं बेच रहे हैं। जो टिकट बिक गया उसको भी सोचिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में तो फिल्म ही नहीं लगी है, दिल्ली NCR में, तो सोचिए एक सुपर हिट मूवी को चलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी से इसको सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर पारंजिता को रिलीज करना चाहिए, अगर वो यूट्यूब पर रिलीज करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म होगी, अगर वो YouTube पर रिलीज करते हैं तो। और अगर फ्री में कर दे तब तो सोचिए क्या होगा, 90% आबादी इस देश की उस सिनेमा को देखेगी। अब बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा है, जज बोले ऐसी कौन सी परिस्थिति जो कानून का पालन नहीं किया गया है। और हरियाणा फरीदाबाद में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे 2 शख्स की डूबने से मौत हो गई। और अखिलेश यादव से आकाश आनंद जी ने सवाल पूछा है कि आप बताइए कि आपकी राय क्या है क्लासिफिकेशन पर, कास्ट वर्गीकरण पर। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा बसपा का गठबंधन टूटना बहुत दर्दनाक है और अगर ये गठबंधन होता तो आज बहुजनों की
इस देश में सरकार होती। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने उस समय भी कहा था जो इस गठबंधन से निकलेगा यूपी में उसको नुकसान होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पहले घोषणा की उनको बहुत चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश के तमाम SC ST OBC लोगों को अपनी बात लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।